भोजपुरी जगत की दो बेस्टीज अब एनिमी बनने जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह की। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन अब बनने जा रहे हैं जानी दुश्मन। अब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ये किसी फिल्म का हम सिचुएशन आपको बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम जो आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कल की ही तो बात थी कि जो पवन सिंह अक्षरा पर जान छिड़कते थे, आज उन्हें वो फूटी आंख पसंद नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, अपनी हर एक फिल्म से तो वो उन्हें निकलवाते जा रहे हैं, लेकिन ये क्या पवन, आप कभी खेसारी से दोस्ती करते हैं जो कि अक्षरा के दुश्मन नंबर वन है, तो कभी आम्रपाली से। जी हाँ, आम्रपाली तो वैसे उनकी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जब तक अक्षरा पवन के जिंदगी में थी, आम्रपाली उनके साथ कभी काम न कर पाई सिवाय आइटम नंबर के। लेकिन जैसे ही अक्षरा की एग्जिट पवन के लाइफ से हुई, पवन की फिल्मों में आम्रपाली की एंट्री हो गई। जी हाँ, पवन सिंह की आने वाली नेक्स्ट फिल्म शेर सिंह में अब उनके अपोजिट आम्रपाली दुबे नजर आएंगे और इस फिल्म में वो दोनों पति पत्नी का किरदार निभाएंगे। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शशांक राय। फिल्म की शूटिंग 20 जुलाई से मुंबई में स्टार्ट हो जाएगी। ये थी इस फिल्म की जानकारी। लेकिन हमारे सोर्सेस की माने तो अगर अक्षरा और पवन में झगड़ा न होता तो इस फिल्म में अक्षरा पवन के अपोजिट होती, लेकिन अक्षरा और पवन के झगड़े में आम्रपाली का फायदा हो गया। जिस आम्रपाली को पवन के साथ भोजपुरिया दर्शक इतने दिनों से देखना चाहते थे और वो हो नहीं पा रहा था, लेकिन पवन और अक्षरा के झगड़े में वो चीज भी पॉसिबल हो गई जो आम्रपाली और पवन के फैंस काफी दिनों से चाहते थे। वैसे एक चीज गौरतलब है, न जाने पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ कौन सा गेम खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे सोर्सेस की माने तो इन दिनों अक्षरा के पास सिर्फ रितेश पांडे स्टारर फिल्म राजा राजकुमार है और इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं। और वही दूसरी तरफ जितने भी फिल्मों में अक्षरा पवन सिंह के साथ साइन की गई थी, पवन सिंह ने उन सारी फिल्मों से अक्षरा को निकलवा दिया है, लेकिन फिर भी इन सब चीजों से पवन सिंह का शायद अभी दिल नहीं भरा है। तभी तो उन्होंने अक्षरा के सभी दोस्त और दुश्मनों से करीबियां बढ़ाना ज्यादा ही शुरू कर दी है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।